तो आज हम लोग त्यागी रीत का दाखिला स्टार्ट करने वाले हैं। त्यागी रीत का दाखिला स्टार्ट करने के पहले तीन बातें अच्छे से समझ लो। पहली बात, त्यागी रीत कब लगेगी? तो जब दाखिले में हमारे को त्यागी रीत का दाखिला सुधो वैसा बोल ही देगा वो। दूसरा स्टेप, तुम्हारे को त्याग का सूत्र याद होना चाहिए। तो त्याग बराबर जूनू नफा नुकसान प्रमाण माइनस नव नफा नुकसान प्रमाण, जूनू माइनस नव। और स्टेप नंबर तीन, ये बहुत मोस्ट तुम लोग को याद रखना पड़ेगा कि याद रखो कि त्याग के रिश्ते तुम लोग दाखला कर रहे हो और जवाब माइनस में आ रहा है तो वो हो जाएगा लाभ। आ रहा है समझ में? तो सर प्लस में आया तो त्याग ही रहेगा। और एक और बात, और अगर जीरो आता है तो ना लाभ करे छे ना त्याग करे छे, वो जैसे जैसे दाखला करेगा तुम्हारे को समझ पड़ जाएगी। ठीक है, तो मैं आज चला रहा हूँ उदाहरण नंबर दो। उदाहरण नंबर दो की रकम सब लोग अच्छे से पीडीएफ के अंदर पढ़ लो। फिर भी मैंने यहाँ कोष्टक बना के रकम लिखी है, ये तुम्हारे को नहीं लिखना है, तुम्हारा दाखला ही है पूरा। आगे समझ में? तो शांति से पहले वीडियो स्टॉप करके रकम पढ़ लो। चल ओके, तो तुम लोगों ने पीडीएफ में शांति से रकम पढ़ ली, फिर भी मैंने यह रकम लिखी हुई है, सब लोग ध्यान दो। उदाहरण नंबर दो, भावेश विपुल और हिरल, उनका जूना प्रमाण है दो जेम एक। देखो उसने बोला था कि तेमनो प्रमाण बे जेम एक हतो। फिर उसके बाद तेमने भविष्य में नक्की करूँ कि तेमनो प्रमाण से तरण जेम एक, तो वो हमारा हो गया नफा नुकसान का नवा प्रमाण। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, दो दो ने एक टोटल पाँच हुए, तो सबके छेद में कितने रख देंगे हम लोग यहाँ? पाँच। तीन ने दो पाँच ने एक छः, तो इनके छेद में कितना आ जाएगा? छः। तो ये हमारा क्या बन गया? प्रमाण आ गया। तो ये तो तुम्हारे को समझाने के लिए मैंने लिखा है, तुम लोग भी जब दाखला स्टार्ट करो तो पहले ही अच्छे से बना लोगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो अब दाखला स्टार्ट कर दे। त्याग के रिश्ते करना है तो सबसे पहले भावेश, कौन है भावेश? तो भावेश के लिए हम लोगों ने त्याग का सूत्र लगाया, जूनू नफा नुकसान प्रमाण माइनस नव नफा नुकसान प्रमाण। तो देखो जूना प्रमाण क्या है बोलो तो, इसका 2/5 माइनस नवा नफा कौन सा प्रमाण है? 3/6। तो दोनों का अब या दो चीजें, या तो तुम लसा लो या तो चौकड़े गुणाकार। मैं कहता हूँ चौकड़े गुणाकार ही लेने का सबके। चल 6×5=30। ठीक है, चलो 6×2=12, 5×3=15, तो 3/-30। आया समझ में? तो देखो ये इसका जो अब माइनस में आया तो हम लोग क्या करेंगे, क्या लिख देंगे? लाभ। आया समझ में? उसी तरह दूसरे का कौन है अब? विपुल। तो विपुल के लिए भी वही, तो जूनू माइनस नौ त्याग का दाखला है, तो बताओ जूना प्रमाण क्या है उसका? 2/5। नवा प्रमाण क्या है बोलो तो? 2/6, वही चौकड़ी गुणाकार। चलो 5×6=30, 6×2=12, 5×2=10। ये चौकड़ी में पढ़ रहा हूँ, तुम्हारे नहीं पढ़ने की। ठीक है, समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। तो 12 में से 10 गए, 2/3, देखो प्लस में आया, तो त्याग की रीत का दाखला है तो प्लस में आया, तो वही लिखेंगे त्याग। अगर त्याग की रीत का दाखला है और जवाब माइनस में आता है तो लाभ लिखेंगे। उसी तरह आगे का सोच के बताता हूँ, अगर लाभ की रीत से दाखला कर रहे और जवाब माइनस में आता है तो हम लोग क्या करेंगे? त्याग लिखेंगे। आगे समझ में? चलो अब हिरण, वही जूनू माइनस नौ, तो देखो जूना कितना है? 1/5। नवा कितना है? 1/6। तो 5×6=30, वही चौकड़ी गुणाकर, 6×6=5×5, मतलब 1/30, मतलब इसका भी प्लस आया तो ये भी क्या हो जाएगा? त्याग। आगे समझ में? तो याद रखो इनके छेद सरखे होने चाहिए, देख लो 30 30 30, हमेशा याद रखना जब भी तुम लोग चौकड़ी गुणाकर करो तो छेद सरखे रखने के। आगे समझ में? तो ये था तुम्हारा त्याग की रीत का दाखला, सिंपल था एकदम। अब इसके जो आगे के दाखले वो मैं तुम्हारे को व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। आया समझ में? अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, लाभ की रीत का दाखला करेंगे और चैप्टर हमारा फिनिश। ठीक है, चलो।